नमस्कार। बिल्कुल इजी तरीके से हम बनाए हैं, कोई तामझाम नहीं फ्रेंड। इसके लिए आटा लिए हैं, ये मीडियम साइज बॉल से 1.5 बॉल फ्रेंड, और सत्तू 1 बॉल, सब कुछ इस मीडियम साइज बॉल से हम लिए हैं फ्रेंड। देखिए, अगर नींबू नहीं है आपके पास तो देखिए लहसुन और मिर्चा का पेस्ट और थोड़ा सा अचार। देखिए फ्रेंड, सत्तू में बड़ा ही मजा आएगा फ्रेंड। ये नींबू है तो डाल लीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। और नमक, नमक 1 छोटी चम्मच डाल लीजिएगा फ्रेंड, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड। और इसमें कलौंजी, अजवाइन और मंगरेला डाल लेंगे, और ये सारे चीज हम चटनी के लिए रखे हैं मसाला फ्रेंड। तो सबसे पहले सत्तू ही बना लेते हैं, और आटा गूंदने के बाद ही हम बना लेंगे चटनी। ये देखिए सत्तू में मस्त स्वाद आ जाएगा फ्रेंड इसमें से। 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालते हैं, गया तैयार सत्तू। अब हम आटे को लगाएंगे फ्रेंड। ये आटा में हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन और मंगरेला डाल देंगे, तब आटे में भी आपका स्वाद रहेगा फ्रेंड, नहीं तो आटा ऊपर से स्वादिष्ट नहीं लगता है फ्रेंड लिट्टी का। तो इसमें भी थोड़ा ज्यादा नहीं नमक डालेंगे, क्योंकि आपका सत्तू में भी नमक है फ्रेंड। और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा फ्रेंड, डुबोने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। इसमें डाल दीजिएगा एकदम खास्ता, कचौड़ी के तरह ही ये लिट्टी बनेगा फ्रेंड। मिक्स कर लिए फ्रेंड, देखिए ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देके एकदम हार्ड लगाएंगे आटे को। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, एकदम से पानी नहीं रो, ताकि आटा में लोच आ जाए फ्रेंड और आपका लिट्टी एकदम सॉफ्ट बने। एकदम इस तरह हाथों से इससे भार देके इसको मसलना है फ्रेंड। तैयार हो गया फ्रेंड। अब थोड़ा सा आटा को रेस्ट में रखेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा लिट्टी बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पेन गैस पे रख दिया, और इसमें 1 बड़ा चम्मच से सरसों तेल मस्टर्ड ऑयल डाल दें, मस्टर्ड। अब इसमें हम डाल देंगे, हमारा तेल गर्म हो गया फ्रेंड, बिल्कुल फ्रेंड मस्टर्ड चटक गया। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे, ज्यादा नहीं डालना है फ्रेंड। लाल मिर्च भी हमारा हल्का फ्राई हो गया फ्रेंड। अब हम इसमें डाल लेंगे कड़ी लीव्स, 20-25 पत्ता कड़ी लीव का डालिएगा। कड़ी लीव थोड़ा सा ज्यादा डाल लेंगे फ्रेंड इसमें, तभी ये चटनी का मजा आएगा। कड़ी लिप्स चटनी बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड, और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कच्चा भी आप कड़ी लिप्स खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज प्याज, एकदम बारीक कटा हुआ आप ले लीजिएगा, एकदम बारीक चॉप कीजिएगा फ्रेंड। और इसको थोड़ा सा लाल एकदम भूनेंगे फ्रेंड, फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा प्याज देखिए थोड़ा भुज गया। 2 मिनट इसको इस तरह चलाते हुए ही भूंजेंगे फ्रेंड। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला, और 1 चम्मच शिमला मिर्च, और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। इसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्चा का और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। ये हमने 3 बड़ा लहसुन, पूरा पोट जिसको कहते हैं, एकदम हॉल लहसुन, और 5-6 मिर्च लिए थे फ्रेंड। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड, कि लहसुन एकदम अच्छे से कढ़ी पत्ता में मिक्स हो जाए फ्रेंड। अब इसमें डाल लीजिए, भाग लो पेने, भाग लो।
देखिए फ्रेंड, ये कितना अच्छा फ्राई हो गया फ्रेंड। अब हम इसमें डाल लेंगे, देखिए फ्रेंड, इमली 1 घंटा पहले इमली का पल्स पानी में फुला के एक मीडियम साइज बॉल में रखे हैं। अब इस पानी को डाल लेंगे, बॉल पानी डाल लीजिए फ्रेंड। अब इसके साथ इसको पकने दीजिए फ्रेंड थोड़ा। ये कढ़ी पत्ता चटनी बहुत ही मस्त होगा फ्रेंड, आप अपने स्वाद अनुसार कर लीजिए या 1/4 चम्मच कर लीजिए फ्रेंड। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें खट्टा मीठा तीखा तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा चटनी का कलर देखिए कितना निखर के आया है फ्रेंड। अब थोड़ा ये जो है मिर्चा उर्चा उस पर थोड़ा सा चम्मच से इस तरह कर लेंगे ताकि मिक्स हो जाए एकदम। देखिए हमारा चटनी कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड, एकदम एकदम पक्के ये चटनी दमदार बन गया फ्रेंड। आप अगर हमारे पास होते तो सबसे पहले हम आपको टेस्ट कराते फ्रेंड चटनी। ये देखिए आप सामने से देखिए। अब ये गैस को बंद कर देते हैं फ्रेंड, अब लिट्टी बना लेते हैं फ्रेंड। कड़ाही गैस पे रख दिए हैं हम, सेंड में आज लिट्टी बनाएंगे आप लोगों के लिए फ्रेंड। बालू को रख दिए हैं फ्रेंड, ये देखिए बालू डाल के फ्रेंड थोड़ा सा इस तरह चला दीजिए। चलाने के बाद अब इसको गर्म होने दीजिए और हाथ को अच्छे से धो लीजिए ताकि आपका आटे और सत्तू में ना जाए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले, ज्यादा नहीं देना है और पत्ता ही देना है, वो डंठल नहीं देना है फ्रेंड। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया, अब हम इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कटोरी बनाएंगे फ्रेंड। ये देखिए छोटा छोटा लिट्टी मस्त होगा फ्रेंड। और इसको ऊपर से पतला करेंगे, ये पतला कभी नहीं करेंगे नहीं तो फट जाएगा। ये देखिए और 1/2 चम्मच रखेंगे, ये थोड़ा सा ही रखेंगे सत्तू, मस्त ज्यादा सत्तू रखने का जरूरत नहीं है। मीडियम साइज चम्मच से 1 चम्मच रखिएगा बस, या बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो 1/2 चम्मच। ये देखिए ये बहुत जल्दी सेंड में बेक होगा फ्रेंड। ये देखिए इस तरह, देखिए छोटा छोटा लिट्टी, बस एक रोटी के लोई भर बनाइएगा। इसी तरह हम सारे को बनाएंगे फ्रेंड, एक बार फिर से देखिए। इसको कभी भी पतला नहीं करना है, पतला ऊपर वाला करना है, कटोरी बनाना है एकदम से। देखिए हमारा कटोरी बन गया, अब हम 1 चम्मच ले रहे हैं, इसको दबाव देंगे हाथों से इस तरह नीचे की तरफ और फिर गोलाई में इसको लाएंगे सारे को और ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह आप सारे को बना लीजिए फ्रेंड। देखिए कितना छोटा छोटा अच्छा लिट्टी बन गया। देखिए हमने नीचे रखे हैं सैंड, इस पे बनाना लिप्स रख लेंगे फ्रेंड इस तरह। अब इस पे हम लिट्टी रख लेंगे फ्रेंड सारा, थोड़ा सा पानी से धो के हम सुखा के रखे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमने सारे लिट्टी को रख दिए, अब लिप्स को इस तरह कर लेंगे और किसी बर्तन से थाली से ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए फ्लेम लो से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। देखिए फ्रेंड 2 मिनट बाद हम इन सारे को पलट लेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बेक होने लगा फ्रेंड ये लिट्टी।
बहुत ही मस्त लिट्टी बनेगा फ्रेंड। अब ढकने का जरूरत नहीं है, आधा पक गया। अब इसको इस तरह उलटते हुए ही बेक कर लेंगे फ्रेंड, सेक लेंगे सारे को, थोड़ी थोड़ी देर पे पलट देंगे। देखिए फ्रेंड, बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर पे देखिए इस तरह पलटते रहेंगे तो ये हमारा अच्छे से बेक हो जाएगा। ये देखिए, ये आग से भी अच्छा लिट्टी बनता है फ्रेंड्स, सेंड में। देखिए आग हर जगह, लकड़ी आजकल अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये सेंड हर जगह मिल जाएगा फ्रेंड। जिस जो सेंड से घर बनता है उसी से हम थोड़ा उसको मोटा वाला निकाल लेंगे फ्रेंड, और उसको चार के और इसको यूज करेंगे फ्रेंड। जहाँ हार्ड हो गया है उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह पलटते हुए सेक लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड कितना आसानी से लिट्टी बन रहा है देखिए, और ये जो बेक होगा फ्रेंड ये अंदर तक बेक होगा, और इसमें कच्चा रहने का कोई चांस नहीं है फ्रेंड, और ना ऑयल लगाने का कोई झमेला। देखिए एकदम चारों तरफ से एकदम गोलाई में खड़ा करके भी बेक कीजिएगा, और हाथ वाथ जलने का भी कोई टेंशन ही नहीं है फ्रेंड। ये देखिए, देखिए फ्रेंड अब हमारा लिट्टी फूल फूल के देखिए फटने लगा खुद से। देखिए हमने पलटते हुए फ्रेंड लिट्टी को बेक किया है। ये देखिए बड़ा वाला फ्लेम पे आप कढ़ाई को रखिएगा और उसमें सैंड डालिएगा और बनाना लिप्स बिछा के और उसको अच्छे से बेक कीजिएगा पलटते हुए फ्रेंड। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद ऐसे हम घुमा घुमा के इसको बेक करेंगे। ये अंगारा लिट्टी से ज्यादा अच्छा होगा फ्रेंड, ऑयली हो जाता है फ्रेंड, और लकड़ी पे सेकते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी उट्टी लगने का चांस रहता है, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है फ्रेंड, और बहुत ही मस्त लिट्टी है। ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो गया। देखिए फ्रेंड हमारा लिट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया अंगारे जैसा फ्रेंड। अब हम इसको फ्रेंड इसी कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी होगा और भी हार्ड होके अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड। और गैस को अब बंद कर लेते हैं, अब इसको सर्व करेंगे ठंडा होने के बाद थोड़ा सा फ्रेंड, ज्यादा देर नहीं छोड़ना है फिर, थोड़ा सा 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फिर। इसको बेक करते हुए फिर हमको 30 से 35 मिनट लगा फिर एकदम से, तो आप जरूर ट्राई कीजिए फिर और हमारे रेसिपी का लुत्फ़ उठाइए। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है फ्रेंड, और गांव जैसा स्वाद लीजिए फ्रेंड सिटी में एकदम से, कहीं भी आप ये लिट्टी बनाइए और खाइए फ्रेंड। देखिए ये किस तरह, देखिए बेक होके अब फट रहा है फ्रेंड ये बिल्कुल। देखिए फ्रेंड लिट्टी बिल्कुल ठंडा हो गया, देखिए एकदम सॉफ्ट तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए ये लिट्टी मस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड, पता ही नहीं, न लकड़ी का धूल लगा न कुछ लगा फ्रेंड, और देखिए अंगारा वाला लिट्टी तैयार हो गया फ्रेंड। फ्रेंड ये यूनिक रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें फ्रेंड। जब भी आप यूनिक रेसिपी बनाना हो तो झटपट झटपट घरेलू डिश चैनल पर जाएं, एकदम लेटेस्ट और यूनिक रेसिपी मिलेगा फ्रेंड आप लोगों को। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड। नमस्कार।